तो स्वागत है आपका मैचलेस टेक चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस एरर के बारे में। हमें बताया जाता है कि पेमेंट डिटेल्स आर नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक और पेमेंट इज नॉट सक्सेसफुल। तो इस एरर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में हम वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम लॉगिन करने के बाद वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा और आपने डेट ऑफ बर्थ भी डालनी है, दोनों यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद कैप्चा डालेंगे एंड उसके बाद आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो यहां से दोस्तों आपको स्टेटस बताया जाएगा कि पेंडिंग है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपने ई पेमेंट पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन फी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने फिर से एप्लीकेशन नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ भी देनी है एंड साथ ही साथ आपने कैलकुलेट फी पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद दोस्तों आपके सामने फी डिटेल्स आ जाएंगी, कितना आपने फी पेमेंट करना है। तो यहाँ से आप पे यू इंडिया सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद दोस्तों आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से दोस्तों आप फी पेमेंट कर सकते हैं और आपका जो एरर है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दी थी तो आप इसी तरीके से पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कंटिन्यू पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम भी आती है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।